हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। टुडेज क्लास फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे और आज हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 है और क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 1.7 था, मैंने बोला डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, कि कहाँ पर रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है, तो हमने रिपीट करके देखा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नाउ रीड, लुक एट सर्वर एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर, यानी उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, समझ में आया। और उसके बाद हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस दैट प्रॉपर्टी, क्यू मस्ट सेटिस्फाइज, क्या आप उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। देखो समझो ध्यान से, टेस्ट नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 2.5 ले लिया, तो 5.2 ले लिया, 5.2, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2.5, ठीक है। यानी कि हमें जो एग्जांपल लेने हैं वो टर्मिनेटिंग के लेने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के नहीं लेने, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, मैं समझा चुका हूँ पिछली क्लास में। एक बार एग्जांपल लेते हैं 5.4, ठीक है, तो 4 बन जाए 4, 1 बच जाएगा, है ना, 1 आएंगे और 4 to the 10, 5। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं 2.5 को ले लेते हैं सर, 0.4, 0.4 है ना। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2.5 ले लेते हैं, ये होता है 0.23, ठीक है। तो ये देखो ये सब एग्जाम्पल जो मैंने लिए वो टर्मिनेटिंग के लिए हैं। टर्मिनेटिंग मतलब मतलब जिनका डिवाइड खत्म हो जाता है एक लिमिट पे, यानी कि चलता ही रहता है ना, रिपीटिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे स्टॉप हो गया डिवाइड। टर्मिनेटिंग हमने एग्जांपल ले लिया। अब हमें क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या आप इनके जो क्यू है उनके बारे में कुछ बता सकते हो, क्या क्यू की क्यू में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो देखो हम बता सकते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि आपको पता है कि जो डिनोमीटर होता है ना, डिनोमीटर पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो जो क्यू है इसकी वैल्यू, यानी क्यू की जगह हम ऐसे डिजिट रखेंगे फॉर टर्मिनेटिंग ऐसे डिजिट रखेंगे जो 2 की पावर n हो, है ना, या फिर 2 की पावर n हो, सॉरी 5 की पावर n हो, यानी आपको पता होना चाहिए, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नेक्स्ट क्लास में भी आपके काम आएगी, है ना। यानी कि आपका जो डिनोमीटर है वो 2 और 5 की पावर में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 0 लाने के लिए क्या होता है, है ना, 3 से कभी 0 नहीं आ सकती, 3 की टेबल में 0 आती है 9, ठीक है। तो यानी कि 2 का होना जरूरी है, 2 हो 4 हो, ठीक है, यानी 2 की पावर का होना जरूरी है, या 5 की पावर का होना जरूरी है, या फिर ये दोनों ही होना जरूरी है, ये 3 कंडीशन हो सकती है, तभी जाके कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो ये 2 है, यानी इसको हम 2 की पावर 1, ये 2 पावर 2, ये 5 पावर 1, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 5 पावर 1 × 2 पावर 1। यानी कि सभी जितने भी आप एग्जाम्पल ले लो कोई सभी टर्मिनेटिंग का वो इस फॉर्म में होगा, यानी 5 और 2 की पावर उसमें इंक्लूड होगी, किसमें, डिनोमिनेटर में, यानी कि क्यू में, समझ में आया आपको कुछ। तो यानी कि यहाँ पर जो क्यू के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्यू की प्रॉपर्टी यही है, तो आपको क्या लिखना है कि ऑल टर्मिनेटिंग, ठीक है, नंबर्स, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू हेयर क्यू हेयर हेयर क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर n, और m और n क्या है, m कोई भी हो सकता है, ठीक है, m ये लिखना हेयर m एंड n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है।
तो ये आपका कंप्लीट हो गया। बस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7 के, राइट द नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सटेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि आपको एग्जांपल्स राइट करने हैं कितने, 3 एग्जांपल्स जिनके डेसिमल जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, कोई चीज नहीं है बेटा, ये हम पढ़ा चुके हैं पहले। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल्स राइट करो नॉन टर्मिनेटिंग के। मैंने आपको बताया था ऐसे अंडर रूट वाले जिनका अंडर रूट एक होल नंबर नहीं होता, वो सब क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 नहीं 5, ठीक है, या फिर 7 हो सकता है। इसकी वैल्यू होती है ये, इसकी वैल्यू होती है 1.73 और अंडर रूट 5 कितनी होगी, समथिंग 2.11 के करीब। ठीक है, इतनी होगी। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, क्योंकि चलता रहता है ना, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो 3 एग्जांपल देना आपको, तो आप क्वेश्चन 3 एग्जांपल दे सकते हो। और ये हो सकते हैं अंडर रूट 7 हो सकता है, ठीक है, और अंडर रूट 7 हो सकता है जिसकी वैल्यू 2.6 के करीब होती है, और अंडर रूट 11। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल्स, इस क्वेश्चन में लिखा लिखना एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ओके, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हमें ये लिखना है एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख यहाँ पर राइट कर लेते हैं, बस सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो राइट, क्वेश्चन नंबर 7 तो यही था, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन द रेशनल नंबर 5.7 और 9.11। ध्यान देना, 5/7 एंड 9/11, 9/11 इनके बीच में आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड, रेशनल नहीं इरेशनल, ठीक है, आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, और वो भी कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3, कितने 3। तो पहले तो आप देखते हैं इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो उसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, 7 और 1, 4, 2 इसमें देखिए, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं 9 और 11, 11 पॉइंट लगाएंगे, 9 हो जाएंगे 1, फिर जगह वो 1, 1। ठीक है, तो मतलब हमने इसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर एट जाएगा, फिर बन जाएगा, फिर रिपीटिंग हो जाएगा, है ना, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। अब इनके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3, ठीक है, तो हम देखते हैं 3 रेशनल नंबर बिटवीन देम, बिटवीन देम, यानी इनके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो एक आ जाएगा आपका 0.7300, 7300, 7300, ठीक है, डॉट 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 डॉट। देखो होता क्या है, तो आपको पता है ये 0.71 यानी कि 71, ये 0.81, तो 71 और 81, ठीक है, इनके बीच में 10 नंबर तो वैसे ही है, बट आपको मैंने बताया था कोई भी दो नंबर के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक, काफ़ी नंबर होते हैं, तो मैं 3 राइट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी राइट कर लेना। नेक्स्ट अब आपको कैसे राइट करना, पहले 730 लेना, फिर एक जीरो बढ़ाना, फिर एक जीरो बढ़ाना, ऐसे 740 लेना, फिर 740 दो जीरो बढ़ा दो, 740 एक जीरो बढ़ा दो, फिर अगला लेना है
तीन नंबर क्या करने हैं, राइट करने हैं। अंडरस्टैंड? स्टॉप करते हैं, कर दो।